ओडिशा में मोहन मांझी के साथ दो डिप्टी सीएम भी शपथ ले रहे हैं, प्रभाती परीडा और केवी सिंह देव डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं। दोनों से बात की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने, सुनते हैं। सिक्स टाइम एमएलए, नाउ यू आर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज एज दिस न्यू बीजेपी गवर्नमेंट टेक्स ओवर? आई वुड लाइक टू से वन थिंग, यू विल सी गवर्नेंस। व्हेन वी वर इन द अलायंस विद नवीन बाबू, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो द बीजेपी, द डिपार्टमेंट्स हेल्ड बाय द बीजेपी मिनिस्टर्स डिलीवर्ड, एंड देयर आफ्टर governance came to a total standstill. It was only bureaucratic governance. Now you'll see the true governance in the literal sense. And sir, this is a very careful calculation by the BJP. You have a tribal face as a chief minister, you have someone from Western Odisha, a royal, as a deputy chief minister, and you have a lady as a deputy chief minister. Clearly, you've addressed every aspiration. See, the Bharatiya Janata Party looks into all aspects before taking on any decisions, and I must hand it to our central leadership, our parliamentary board, our Honorable Prime Minister, our Honorable Defence Minister, Home Minister, who have looked into all these aspects and then taken a decision. Odisha has a new Deputy Chief Minister as well. One of them, a lady, Prabhat Parida. Ma'am, thank you so much for speaking to NDTV. Your priorities, firstly, as a woman deputy CM? हम लोग यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई लड़े थे। जब महिला मोर्चा की अध्यक्षा में थी तभी लड़े थे महिला सुरक्षा के लिए। यहाँ पे पहली बार हमारी सरकार आई है, जो CM, जो PM आके यहाँ पे प्रधानमंत्री आके बोल के गए थे और उड़िया लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करके बीजेपी को वोट दिए थे। प्रधानमंत्री जी की एक एक वादा को हम उड़िया लोगों के लिए काम पे लाएंगे, पूरा करेंगे। और जो बोले थे किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और जो श्री मंदिर को लेके प्रभु जगन्नाथ जी के लिए भी बोले थे, एक एक करके कल से काम शुरू। क्या आप उम्मीद रखे थे कि आप पहली बार जीते हैं और आप उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो दायित्व तो देती है निभाते हैं। मैं पहली बार जीत के आई हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े जिम्मेदारी पार्टी मुझे दे सकती है। मैं इसलिए आभार प्रकट करती हूँ मेरे शीर्ष नेतृत्व, मेरी CM पे और मेरी पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी और धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर, कि उन लोगों ने एक साधारण कार्यकर्ता को एक असाधारण जिम्मेदारी दी है। मैं जगन्नाथ जी के पास गुहारी करती हूँ, माँ मंगला के पास विनती करती हूँ कि ये जिम्मेदारी तुलाने के लिए मुझे शक्ति दे। NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाती परिदा, उड़ीसा के नए उप मुख्यमंत्री, जो NDTV से बात करते हुए उनके ये जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपने के बाद वो क्या क्या करेंगे इस बारे में NDTV से उन्होंने बातचीत की। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ भुवनेश्वर के राजभवन से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।